Everyone, welcome, welcome back to my channel, की दुनिया एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो बेसिकली उस दिन का व्लॉग है उस दिन मतलब मेरी एग्जाम्स फिनिश हो गए थे एंड यहाँ पर मेरे साथ ना भैया है तो एंड साथ में उस दिन मेरी मम्मा का बर्थडे भी था तो मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ फुल सेलिब्रेशन नहीं है मतलब लोगों ने और भी जो कुछ किया था वो मैं शूट नहीं किया बट फिर मुझे याद आया कि थोड़ा बहुत शूट भी करना चाहिए तो यहाँ पर मेरे साथ भैया इस वीडियो में मैंने भैया को भी ले लिया था एंड अभी हम लोग हैं बेसिकली सदर मार्केट में चाट गली में तो अभी मैं आपको बताती हूँ तो सो फ्रेंड्स बेसिकली अभी हम सदर मार्केट की चाट गली में एंड पहले मैं सोचा नहीं था कि मैं ये सब शूट करूंगी बट फिर एकदम से ज़्यादा है कि मुझे शूट भी करना चाहिए सबसे पहले यहाँ पर ही आप लोग जो सिक्स फ्लेवर वाली पानीपूरी की शॉप देख रहे हो मैंने यहाँ पर पानीपुरी खाई थी जो मैं शूट करना बिल्कुल भूल गई बट अगर आप आओ तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो बहुत टेस्टी थी एंड सामने जो आपको एक शॉप दिख रही होगी पंडित जी मतलब कि ये कुछ ऐसे करके शॉप थी यहाँ से आप लोग पाव भाजी ट्राई कर सकते हो मैंने खाई थी एटी रुपीज़ की बहुत अच्छी पाव भाजी देते हैं बट वो दोनों चीज़ें मैं शूट करना भूल गई एंड उससे पहले भी काफ़ी कुछ जो हमने सेलिब्रेशन किया था मतलब पूरा दिन मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया मैं बस ये शाम को शूट किया है तो अभी हम लोग आए थे यहाँ पर एक मास्टर शेफ रेस्टोरेंट पर एंड यहाँ पर हमने ये ऑर्डर किया था एक पिज़्ज़ा एंड यहाँ पर आप लोग को पता है कि मुझे वेजिटेबल वाला जो पिज़्ज़ा होता है टॉपिंग्स का वो नहीं पसंद मैं हर वीडियो में कहती थी तो यहाँ पर सेम कुछ ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं थी बस थोड़ी सी अनियन थी एंड यहाँ पर है गार्लिक ब्रेड एंड इन लोग की गार्लिक ब्रेड थोड़ी सी मतलब अलग थी एंड अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी वैसे कैसी है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गार्लिक ब्रेड है हमारी जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है तो पहले इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं उसके बाद टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर है मेरी गार्लिक ब्रेड तो इसका भी मैं टेस्ट कर लेती हूँ वैसे टेस्ट वाइज तो काफ़ी अच्छी थी चीज़ भी अच्छा टेस्ट आया था बस थोड़ा सा गार्लिक का और थोड़ा ज़्यादा अच्छा यूज़ करते अच्छा लगता है गार्लिक का टेस्ट काफ़ी कम आ रहा था वैसे अच्छी थी और यहाँ पर पिज़्ज़ा मैं ट्राई कर रही हूँ पिज़्ज़ा मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत टेस्टी था फ्रेंड्स आफ्टर दैट चाट गली में टू थ्री चीज़ें और ट्राई करने के बाद जो कि मैं अगेन शूट करना भूल गई हम लोग आए थे एक रेस्टोरेंट में मतलब मैं ज़्यादा पागल हूँ मैं बार बार शूट करना भूल जाती हूँ पहले जो गार्लिक ब्रेड एंड चीज़ वाला पिज्जा जो मैंने आपको दिखाया था उस सबसे पहले जो पानी पूरी एंड पाव भाजी ट्राई की थी मैं वो शूट करना भूल गया एंड आफ्टर दैट उस सबके बाद जो हमने टू थ्री चीज़ें और ट्राई की मैं शूट करना बार बार भूल जाती हूँ बट येस आफ्टर दैट हम लोग आए थे एक रेस्टोरेंट में जो कि आई थिंक इसका नेम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आई थिंक ओम भोजनालय था और ये सदर में ही है वैसे मैं आपको बता दूँ पर हमारा ऑर्डर आ चुका है तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले ये हमने पनीर बटर मसाला और किया था हैं साथ में थी बटर रोटी एंड बाकी ये लोग जो है साइड डिशेस में देते हैं पिकल एंड यहाँ पर सिरके वाला जो प्याज होता है वो एंड मिंट की चटनी तो यहाँ पर ये सब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पनीर बटर मसाला था वो है एंड काफ़ी टेस्ट वाइज मैं अभी आपको बता दूंगी कि टेस्ट कैसा था टेस्ट कर कर तो अभी टेस्ट कर लेते हैं वैसे टेस्ट करने से पहले देखने में तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है फूड डिलीशियस बट अभी टेस्ट करके आपको बताती हूँ टेस्ट में भी ये काफ़ी अच्छा है एंड अनकाज यहाँ पर मेरा पेट तो इतना ज़्यादा भर चुका था मतलब कि मैंने मुश्किल से एक रोटी भी नहीं खाई थी यहाँ पर क्योंकि चाट गर्मी मैंने इतना सारा उल्टा सीधा जो है खा लिया था मतलब पिज़्ज़ा पानी पूरी पाव भाजी एंड इतनी सारी चीज़ें खा ली थी मैंने आपको बता रही हूँ मैंने शूट नहीं किया पर मैंने इतना कुछ खा लिया था कि खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं आया था तो मैंने एक रोटी भी बहुत मुश्किल से खाई बट यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा था अभी डिनर करने के बाद हम लोग जा तो घर रहे थे बट मैंने यहाँ पर जो है वो कहते हैं ना कि पेट भर जाता पर डेजर्ट के लिए हमेशा जगह खाली रहती है आप लोगों के साथ हाँ ऐसा होता है नहीं पता नहीं बट मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है तो मेरे पेट में हमेशा डेजर्ट के लिए जगह खाली रहती है तो यहाँ पर हम लोग गए थे मधु आइसक्रीम स्टोर पर ये सदर मार्केट में ही है आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोग यहाँ पर आए हुआ नहीं तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था किटकैट शेक एंड ओरियो शेक मुझे कुछ डेजर्ट की क्रेविंग थी एंड यहाँ पर किटकैट शेक एंड ओरियो शेक ऑर्डर कर लिया था मैंने एक मैंने ले लिया था

चॉकलेट ही है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो एंड यहाँ पर ऊपर लोग ने किट वगैरह दी थी जो कि मैंने स्पून से मिक्स करा दिया है मम्मा से यहाँ पर के बाद फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे सीधे घर मतलब यहाँ पर मैंने अपना किट कैच पूरा इन्जॉय किया एंड उसके बाद हम लोग घर चले गए थे और उसके बाद मतलब कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तो कुछ तरह कुछ इस तरह हमने जो है सेलिब्रेशन किया मेरी एग्जाम्स फिनिश होने का एंड साथ में ममा की बर्थडे पार्टी और भी सेलिब्रेशन था बट मैं इतने शूट कर पाई सो बाय बाय